देखिए प्रश्न है, बल किसे किसे कहते हैं। ये प्रश्न है आपका कि बल किसे कहते हैं और बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है और इसे हम अब परिभाषित करेंगे आपके सामने। तो उत्तर में देखिएगा आप, जब बल एक भौतिक बाह्य कारक है। बल एक भौतिक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है या बदलने की चेष्टा या प्रयास करता है। यानी कि बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है। यदि गति अवस्था में अगर वस्तु है तो उसको विराम अवस्था में ले आता है, और विराम अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में ले जाता है या बदलने की चेष्टा करता है। तो साथ ही यह वस्तु की आकृति भी बदल देता है। अब इस बात इस परिभाषा को हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि मान लो यदि कोई वस्तु या ठेला गाड़ी या ये मान लो हमारी कोई ठेला गाड़ी है ना, ये हमारी ठेला गाड़ी है, अगर हमने इस पे बल लगाया तो यह गति अवस्था में आ जाती है, यानी कि विराम अवस्था से गति अवस्था में आ गई। और हमने ब्रेक लगा दिया, ये हमने यहां से इस पे ब्रेक लगा दिया है ना, चलती गाड़ी पे हम ब्रेक लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो विराम अवस्था में आ जाती है। यानी कि गति विराम अवस्था, बल लगाने से विराम अवस्था वाली चीज गति अवस्था में आ जाती है, और बल लगाने से ब्रेक पर बल लगाने से गति गतिशील वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, स्थिति को बदल देता है ना। कभी कभी यह नहीं बदल पाता है, सिर्फ प्रयास मात्र रह जाता है। जैसे यदि हम किसी दीवार पर बल लगाते हैं तो दीवार नहीं खसक सकती है, यानी कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर बल के द्वारा प्रयास या चेष्टा की गई किंतु कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसी प्रकार हथेलियों के बीच में अगर हम रबड़ की गेंद लेते हैं जो कि गोलाकार होती है, और बल हथेलियों के द्वारा बल लगाने पर वह अंडाकार या चपटी हो जाती है, तो यह वस्तु की आकृति भी बदल देता है। बल को बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। इसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एफ के द्वारा दर्शाया जाता है और उस पर तीर का निशान होता है। ये वेक्टर सदिश राशि को दर्शाता है, इसे एफ से दर्शाते हैं। बल बराबर इसका सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसको हम एफ बराबर एम ए, तो वेक्टर एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर एम यानी द्रव्यमान अगर 1 kg का द्रव्यमान है और उसको 1 m/s² का अगर उसमें विस्थापन हो जाता है, 1 kg द्रव्यमान की अगर कोई गतिशील पिंड है और बल लगाने पर उसमें 1 m/s² का एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो लगाया गया बल एक न्यूटन कहलाता है। तो लगाया गया बल एक न्यूटन कहलाता है, यानी कि वह बल जो 1 kg की वस्तु पर
आरोपित करने पर उसमें एक मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर दे, ऐसे बल को एक न्यूटन बल कहा जाता है। तो बल का मात्रक एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में न्यूटन है। अब सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन है। तो एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो एफ बराबर, देखो एक किलो में कितने ग्राम होते हैं? सी मतलब सेंटी, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति, तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 10। देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने डाइन, इसको हम डाइन में दर्शाएंगे, या 10^5 डाइन भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन, क्योंकि 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो ये 5 0 और ये सब मिलके हो गया डाइन। तो है ना, इस 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है। तो एक मात्रक को दूसरे मात्रक में, न्यूटन को हमने डाइन में बदला, और डाइन को हम न्यूटन में बदल सकते हैं, है ना। और बल का जो विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे, तो विमीय सूत्र आपका हो जाएगा बल का एफ बराबर एम ए, ए का तो आपको मालूम ही है वी अपॉन टी होता है, और एम एल 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 टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये आपका ये विमीय सूत्र है। बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र देखिए तो यही है ना, एम एल टी माइनस टू, ये आपका बल का विमीय सूत्र हो गया। ये सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया, ये एम के एस या एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मात्रक हो गया न्यूटन। और बल जो कि एक भौतिक कारक है और एक सदिश राशि है, तो हमने आपको बल के बारे में पूरा संक्षिप्त डिटेल में जानकारी दी है।